हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा 7th एनिवर्सरी आ चुका है और उसी के साथ में हमें मिल चुका है एक प्यारा सा OB45 अपडेट। या तो आप लोग को मैंने अपडेट आने से पहले ही OB45 अपडेट में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है सारा कुछ वीडियो बनाकर बता दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो गाइस, अभी हमारे पास आ चुका है OB45 का अपडेट। इस पे ना बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा चेंजेस होगा। और गाइज, फ्री फायर जैसे ही ओपन किया और जैसे ही फ्री फायर गेम खेलना शुरू किया, भाई साहब, इधर मेरा FPS ना इतना खतरनाक आ रहा था, एकदम स्मूथ चल रहा था, एकदम स्मूथ। तो गाइज, अभी एनिवर्सरी तो आया, तो एनिवर्सरी के टाइम पे हमेशा हमें गरीना कुछ ना कुछ तो भेजता रहता है। तो गाइज, अभी मुझे भी मेल बॉक्स पे कुछ आया है दोस्तों। और गाइज, एक चीज बता दो, बहुत दिन हो चुके हमें कोई भी नया युवगन देखने को नहीं मिला है। तो गाइज, क्या कुछ मिलने वाला है चलो देखते हैं। पहले हम ओपन करेंगे हमारा मेल बॉक्स। तो भाई इधर, ओ क्या आया, इधर स्पिन करने के लिए आया, क्या कुछ है। 7th एनिवर्सरी लिखा है, 7 लिखा है ग्लूवाल के अंदर, येलो कलर का ग्लूवाल है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। शायद 20 घंटे के बाद हमें मिलने वाला है। तो गाइज, इधर मिल चुके हमें कुछ इस तरीके से रिवार्ड, जिसपे पहले हमें मिलता एक पैराफल का भी ईवोगन आ चुका है, जिसमें सिंगल डैमेज डबल रेट फायर होने वाला है, मूवमेंट स्पीड माइनस होने वाला है। और गाइज, आप लोग को पता है अपडेट के बाद ना किसी और गन के स्किल को किसी और गन में शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो चलो, इधर ईवोगन का टोकन भी मिला है जो हमें पैराफल का शॉट मारने पे इस तरीके से हमें एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि पहले भी आप लोग को मतलब ईवोगन निकाले होंगे उन ईवोगन में भी मिलता था। लेकिन अभी इधर देखो, एक मल्टीप्लेयर स्काई विंग, मतलब कि हमारे टीममेट्स को भी पीछे बैठा सकती हम शायद से, मेरे को नहीं पता लेकिन हो भी सकता है, जो कि देखने में भयंकर है भाई साहब। मजा आ गया देखते देखते, मुंह में पानी आ गया भाई मेरा तो। और दूसरा मिलता है हमें साइथ, जिसमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है साइथ भी, मुझे तो पसंद आ गया। और दूसरा में लॉ, ओए क्या है, पूरा घूमता है तो ट्रेन बन गया भाई, लॉ ट्रेन रोलिंग करके कुछ नाम है इसका। पर इस तरीके का एनिमेशन भाई, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक, मजा आता है, मेरे को पसंद है। और दूसरा हमें मिलता है ग्रेनेड, क्या लिखा है इधर, गया भाई, ग्रेनेड का नाम है क्या है, चुप हो जा सातवीं फेल। और हम आ चुके इधर एनिमे स्टोम बंडल के पास, जो कि ये खतरनाक होने वाला है, इस तरीके से उड़ के आएगा और इस तरीके से अपना ड्रेसअप चेंज करेगा। भाई साहब, मजा आ गया, मेरे को पसंद आ गया भाई, ये मेरे को पसंद आ गया। चेंज होता रहता है, चेंज भाई, चेंज ना होकर जो अभी इस तरीके का होगा ना, ये मतलब ब्लू कलर का जो, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, अगर चेंज नहीं होता तो। और इधर लड़की का भी सेम है, तो लड़का का आएगा तो लड़की की भी आएगी, क्योंकि लड़का आएगा साथ में तो लड़की तो आनी जरूरी है दोस्तों। और इधर क्या है, मैंने तो ये थंडर बोलते हैं, टोर्नेडो जैसा देखा था, लेकिन ये तो बैग है भाई, बैग है ना, बैकपैक है, हाँ बैग है। और दूसरा हमें मिलता है इधर स्काई बोर्ड, जो कि मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इस पर भी 7th लिखा है बीच पे, देखो 7th एनिवर्सरी के लिए सारा कुछ मतलब बनाया है। ओ भाई साहब, 7th एनिवर्सरी का जो हमारा ये है ना, इसको लॉक करके रख देते इस तरीके से। अभी इसको इक्विप करेंगे, क्लेम करेंगे पहले तो, और बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से खोलेंगे क्या कुछ होने वाला है दोस्तों। तो अभी इधर जाएंगे क्या, पहले तो हम वेपन को देखो, मैंने कई सारे वेपन को शिफ्ट कर दिया जो कि मेरे को पसंद आता था। इधर गन स्किन, मतलब किसी और गन का स्किन किसी और गन पे लगा दिया हूँ मैंने, आप लोग समझ चुके होंगे मेरे बोलने का मतलब। अभी इसको हम करेंगे लेवल अप। तो हमारे पास टोकन बहुत सारे हैं, 1450 टोकन, जो कि हमें गरीना भाई, साउंड बहुत ज़्यादा आ गया, साउंड बहुत ज़्यादा आया, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। इसको हम फिर से, भाई साहब अब फिर से अपडेट करेंगे, 4 लेवल का हो चुका है। 5th लेवल पे हमें एनिमी मारने के बाद एनिमेशन आएगा, वो होगा, चलो इसको, चलो गाइस हम अब करेंगे 6th लेवल का, जिसपे भाई ड्रैगन जैसा बन चुका है 5 लेवल में ही, फाइनली 6th लेवल का भी बन चुका है और 7th लेवल का आना बाकी। और इस पे भाई सब क्या ही तो इमोट बनता है, चलो
भाई 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 फाइनली हमारा लेवल अप हो चुका है और इसको इक्विप कर लेते इमोट को, सारा ही वो इमोट लगा देंगे ठीक है। तो अभी इधर मेरा सारा का सारा जितने भी भाई इधर स्लॉट खाली नहीं है, इसलिए मेरा रखने के लिए जगह कम हुआ है। अगर भाई मेरे पास जगह होता तो भाई कितने सारे ईवोगन के इमोट रखता मैं बताए। तो इधर 7th एनिवर्सरी का लगा देता हूँ, वी बैच के साथ 7th एनिवर्सरी देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। देखो भाई 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 क्या ही तो मस्त लग रहा है ना दोस्तों। ये मिला था 7th एनिवर्सरी के उधर से गिफ्ट, जिसको हम स्पिन करके वो 7th मतलब जो फर्स्ट पे ग्लोवल दिखाया था ना वो ग्लोवल हम निकाल सकते हैं। तो अभी ना एक काम करते हैं, इमोट देख लेते, मैंने कहा इसका इमोट देख लेते भाई। लेकिन टट्टी रुको देखते, अभी स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रहा है। ईवोगन दिखाने टाइम पे स्क्रीन अगर ब्लैक नहीं हो ना तो भाई उतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो फिर से एक बार देख लेते, उतना ज्यादा ब्लैक नहीं हो रहा है यार। चलो हाथ पे ही है ना। देखो और एक काम करते स्टोर पे क्या कुछ चेंज हुआ है वो भी देख लेते। छोड़ो इधर भी देखते, इधर कुछ भी नहीं आया भाई, आना चाहिए था भाई। इधर शायद आएगा कल या परसों आएगा। लक रॉयल पे देखेंगे, लक रॉयल पे क्या है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। और इधर ये भी मेरे पास ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है। उड़पी करके आया था, अभी ये भी ऑलरेडी है। कब निकाला मैंने, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यही है। और एक चीज मैं बता दूं, इधर हमारा ना कॉन्स्टेंट एचपी का जो ऑप्शन होता था जो हम एडवांस सर्वर पे बना देते, कॉन्स्टेंट एचपी देखो कॉन्स्टेंट एचपी का ऑप्शन ही नहीं है। डुओ एक्टिव स्किल का ऑप्शन है, द एपिक बैटल का ऑप्शन है, बस यही है। कॉन्स्टेंट एचपी का ऑप्शन गया भाई, अब कैसे खेलेंगे हम 1v4, बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, कैरेक्टर स्किल में कौन से कैरेक्टर का स्किल अप हुआ है चलो देखते हैं। तो इधर देखेंगे कैरेक्टर्स का, चलो स्काइलर का अप हुआ है, सीरो का अप हुआ है और क्रोनो का भी अप हुआ है। सीरू डिफरेंट है ठीक है। और सानी का माइनस कर दिया गया है और उकंग का बढ़ा दिया गया, और भी खतरनाक बना दिया है। और फॉर्ड को भी बना दिया गया है, एंड्रयू का भी बना दिया गया है। भाई सबसे हटाना चाहिए था इस कैरेक्टर को, मीसा कैरेक्टर का भाई, टट्टी जैसा कैरेक्टर मेरे को पसंद ही नहीं है भाई। लास्ट में तक गाड़ी चला चला कर बैठते हैं बंदे लोग। और नया कैरेक्टर हमें मिला है, इधर लड़की है ना, एक लड़की नया कैरेक्टर भाई किधर, ए काशी करके इसका मतलब देख सकते हो आप लोग, एचपी वगैरह कुछ ऐसा ही है, एचपी में आया है। और भाई अभी सेंसिटिविटी कितना चेंज हुआ है और अभी हमारा गेम प्ले कैसा होगा, कितना ज़्यादा स्मूथ चलेगी, मेरे को FPS कितना मिल रहा है अभी देख सकते हो। मेरा 90 FPS तक जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। 60 FPS बहुत ही स्मूथ होता है, 90 FPS तो और भी ज़्यादा स्मूथ होता है। गेम अपडेट के बाद मेरा स्मूथ चल रहा है, अगर आप लोग का चल रहा है नहीं चल रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आज का वीडियो सिर्फ रिव्यू पे था और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को कौन से मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम झेलने को मिला है इस अपडेट में मेरे को बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा क्या कुछ करने से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेंसिटिविटी बहुत सारे गन का सेंसिटिविटी आने वाला, टेंशन मत करो, वीडियो आप बनाएंगे मस्त बनाएंगे। तो भाई एक चीज़ का दुख लगा है, जो हमारा कॉन्स्टेंट एचपी गेन का ऑप्शन था वो चला गया। और बंडल कैसा लगा, ईवो गन स्किन कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस। अभी तक वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों आप लोग को धन्यवाद।